ढाणा रोड गली नंबर 10 की रहने वाली 39 वर्षीय सुनीता सुबह अपने रिश्तेदारी में सोनीपत जाने के लिए घर से निकली थी। उसने सर्कुलर रोड से नया बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो लिया और उसमें सवार हो गई। ऑटो रिक्शा चालक नया बस स्टैंड पर पहुंचने से पहले ही एक ट्रॉले को ओवरटेक करने के प्रयास में सड़क किनारे खड़े कीकर के पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में ऑटो में सवार सुनीता ने गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे जिला सामान्य अस्पताल लाई, जहां परिजनों के बयान दर्ज कर ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने पर मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। मेरी बुआ ना सोनीपत जा रही थी जी, ऑटो वाले ऑटो में बैठ के, तो ऑटो वाला बहुत ज्यादा तेज चला रहा था, तो यहाँ पे अपने राधा स्वामी के पास नहर के पास रैली क्रॉस करने लगा ऑटो वाला, तो ऑटो ने क्या हुआ उसके साथ टकरा के, ऑटो वाले ने उसके साथ ट्राली के साथ टकराया और टकराते ही पेड़ में लग गई ऑटो। उसी टाइम मेरी बुआ मौके पे गिरते ही उसी टाइम मेरी बुआ की मौत हो गई, और मैं मौके पे पहुंचा तो मैंने ये देखा कि मेरी बुआ की मौत हो चुकी है। तो मैं उसी टाइम मैंने उसके अस्पताल में लाई मेरी बुआ को, यहाँ पे डॉक्टरों ने बताया कि आपकी बुआ की डेथ हो चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए अब मेरी बुआ अंदर हैं, तो देखते हैं अस्पताल वाले क्या करते हैं। आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि भाई एक बुढ़िया के पास एक्सीडेंट हो गया है थ्री व्हीलर में, और एक वहाँ बुढ़िया को चोट लगी है जो हॉस्पिटल ले गए हैं और वो एक्सपायर हो गई है। जब मौके पहुँचा हूँ और परिजन को बयान लिए हैं जो कार्रवाई करें, हाँ पहचान हो गई है और ऑटो नंबर आया इसमें, ऑटो के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।